कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो भैया बात यह है कि सेल चालू होने वाला है 2 तारीख से, फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग डे सेल, और बहुत सारे स्मार्टफोन के ऑफर्स हैं जो अभी रिवील हुए, कुछ अभी रिवील होने और भी बाकी हैं। लेकिन एक स्मार्टफोन डील जो आपको अपनी तरफ खींच सकता है, एक्चुअली स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 24,000 की प्राइस पे, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी F62 की, एंड फिलहाल अभी प्राइस इसका 23,000 के आसपास है मेरे ख्याल से, एंड सेल में ये सिर्फ आपको 18,000 में मिलने वाला है। और अगर आपके पास HDFC का कार्ड है, तो अभी तक मेंशन नहीं किया कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड्स लिखा है तो पॉसिबली डेबिट और क्रेडिट दोनों पे ऑफर है, लेकिन अगर आपके पास है वो कार्ड तो इस पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अब वो 10% मैक्सिमम 1,000 के आसपास ही होगा, अगर और ज्यादा होता है तो और अच्छी बात है, लेकिन हम लेके चलेंगे कि 1,000 का ऑफ आपको इस पे मिलने वाला है। तो अगर आपके पास HDFC का कार्ड है, ये स्मार्टफोन जरूर आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से अच्छी डील है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अच्छी चीजें हैं स्मार्टफोन में एंड क्या बुरी चीजें हैं, किस लिए आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए, और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपको स्मार्टफोन लेने से रोक सकते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर। पसंद आएगा लाइक शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। ज्यादा कुछ खास करना नहीं है आपको, सिर्फ HDFC का कार्ड है ना तो सेल में 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में जो सेल आएगा ना उस टाइम पे आके खरीद लेना, और ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। चलिए पॉइंट्स क्या है, अगर आपको एक सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले चाहिए, नॉर्मली इस प्राइस रेंज में सुपर एमोलेड प्लस को कोई नहीं देता, सुपर एमोलेड वाले मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले चाहिए, 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, पंचोल के साथ आता है, तो अगर आपको सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले चाहिए, बेस्ट डिस्प्ले आप समझ लो 20,000 के नीचे 17,000 में मिल रहा है, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। एक परफॉर्मेंस वाला चिपसेट 9825 एक्सिनोस का, 7 nm पे बेस्ड है, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको तगड़ी मिलेगी, 4 लाख के ऊपर स्कोर आता है, तो डेली यूजेस में कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, स्मूथ चलेगा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं, माली G76 का GPU है, गेमिंग ग्राफिक्स भी अच्छी खासी कर लोगे, तो एक परफॉर्मेंस वाला चिपसेट अगर आपको चाहिए तो आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। 17,000 का आपका बजट है, 18,000 का बजट है, एक बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए। मैं सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, F62 के कैमराज 25,000 के हिसाब से बहुत अच्छे थे, 24,000 के हिसाब से, तो अगर वो 18,000 पे मिले तो क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको एक बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000, 17,000 की प्राइस पे, अगर आप ब्लॉगर होना तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है सोनी वाला, इसके साथ आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर दिया हुआ है, और ऑब्वियसली सैमसंग के ही फोन्स होते हैं जो फ्रंट और रियर दोनों साइड से आपको 4K अलाउ करती हैं, तो पॉसिबली बेस्ट कैमरा अंडर 20,000 मेरे हिसाब से। अगर आपको यूट्यूब के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है दोस्तों। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं पैसों का ऑनलाइन, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, नॉक्स सिक्योरिटी फुल फ्लैज इसके अंदर, तो कोई भी डेटा का इशूज आपको नहीं आएगा, एंड मेरे हिसाब से सबसे सिक्योर्ड फोन्स सैमसंग के होते हैं इस हिसाब में, एंड इसमें भी आपको नॉक्स की फुल फ्लेज सिक्योरिटी मिलती है। एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए 7,000 mAh की, उसके साथ 25W का चार्जर, टाइप सी का पोर्ट, और अगर आप अपने स्मार्टफोन को एज अ पावर बैंक यूज करना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं, अच्छा है, 7,000 mAh की बैटरी आती है, 25W का चार्जर है, आराम से एक दिन तो निकल ही जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, रात को तो सभी चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आपको एक बड़ी बैटरी 7,000 mAh की चाहिए एंड उसके साथ 25W का चार्जर चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। एनीवेयर रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट है तो एज अ पावर बैंक भी आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों। ये तो हो गई अच्छी बातें, कुछ कॉन्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, चल जाएंगे वैसे टाइप के हैं, जैसे पहला कॉन है इसमें करियर एग्रीगेशन करना होना, तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे नेटवर्क बहुत वीक है तो वहां पे डेटा स्पीड थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी, एंड ऐसे एरियाज में रहते हो जहां पे नेटवर्क डेटा स्पीड सही है तो वहां पे कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आप अगर ऐसे एरियाज में जाते हो जहां पे डेटा स्पीड बहुत कम तो वहां पे आपको करियर एग्रीगेशन करना होना यहाँ पे इशू कर सकता है दोस्तों। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्रूज में बताया था 7,000 mAh की बैटरी है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि इसकी बैटरी उतनी नहीं चलती जितनी 7,000 mAh को चलनी चाहिए। नॉर्मली आप ऐसा समझ के चलो कि 7,000 mAh के बदले आपको इसमें 5,000 mAh, एक दिन निकल जाएगा, एक दिन में कोई इशू नहीं, मॉडरेट यूज अगर आप करते हो तो आराम से एक दिन निकल जाएगा, उसमें कोई यूजेस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 7,000 mAh जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे वो बैटरी एफिशिएंसी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती दोस्तों। रियर साइड पे प्लास्टिक है तो स्क्रैचेस के चांसेस थोड़े ज्यादा होती है, तो अगर आप पीछे कवर लगा सकते हो तो अच्छी चीज है, अदरवाइज अगर आपको ग्लास बैक चाहिए तो यहाँ पे ग्लास बैक नहीं मिलता, ये चीज याद रखना, रियर साइड पे आपको इसमें प्लास्टिक मिलता है दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट है, स्क्रैचेस थोड़े ज्यादा पड़ जाते हैं, थोड़ा ग्लॉसी टाइप का है इसलिए स्क्रैचेस बहुत ईजी भी पड़ जाते हैं,
उस चीज का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत बड़े हैवी गेमर हो, बहुत हैवी गेमिंग करते हो, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ी सी थर्मल थ्रॉटलिंग का भी इसमें इशू है गेमिंग करते टाइम। G76 है, अच्छा GPU है, गेमिंग में संभाल लेता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थर्मल थ्रॉटलिंग थोड़ी सी होती है, वो चीज़ याद रखना है इसमें। हीटिंग का थोड़ा सा इशू है इसमें, वो थोड़ा सा आपको आएगा। तो अगर आप उससे ओके हो तो स्मार्टफोन बहुत अच्छा है दोस्तों। स्मार्टफोन के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, दोनों को अगर करते हो तो मेरे हिसाब से स्मार्टफोन एक अच्छा पैकेज है 17,000 की प्राइस पे अगर मिलता है तो। आपको देखना है, आप जरूर देखिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियो उन्हें भी देख सकते हो। एंड आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में लिखे कि आपको स्मार्टफोन कैसा लगा और ले रहे हो या नहीं, बता देना दोस्तों। एंड अभी के लिए इतना ही, एंड साइड में देखो बैकटेम है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, लाइक कमेंट शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना, जाओ इंस्टाग्राम पे, सब कॉन्सेप्ट मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ना कुछ साथ, तब तक के लिए दोस्तों।